आपने आयरन मैन और स्पाइडर मैन तो देख लिए, लेकिन क्या आपने रोलर मैन को देखा है? एक ऐसी नदी जिसके बीचों बीच लोग साइकिल चलाते हैं, और तब क्या करेंगे जब कोई कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ेगा? आपके ऐसे ही सवालों के जवाबों की तलाश करते हैं, तो बैठिए हमारी फैक्ट एक्सप्रेस नंबर 3 पर। तो बने रहिए आखिरी स्टेशन तक। फैक्ट नंबर 25, ये एलसिंडो अल्मेडा सोर्स नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे देख कर आप इनके फैन बन जाओगे। एलसिंडो सांता मारिया के बीच पर डेली कूड़ा बीनते हैं। ये तो ऑब्वियस है कि एलसिंडो किसी का फेंका हुआ कूड़ा इसलिए बीनते हैं ताकि सांता मारिया साफ सुथरा रहे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी कचरे से एलसिंडो जिमिंग आइटम जैसे डंबल, ब्रेंच प्रेस भी तैयार करते हैं। सांता मारिया पे बना ये जिम एलसिंडो की क्रिएटिविटी का ही रिजल्ट है जो उन्होंने यहाँ से बीने हुए कचरे से तैयार किया है। फैक्ट नंबर 24, दोस्तों आपने टग ऑफ वॉर का नाम तो सुना होगा, वही जिसे रस्सा खींच कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रस्सा खींच का ये कॉम्पिटिशन असल में देखा है? जी हाँ, ये खेल बेहद फेमस है और कई देश इसे बड़े ही प्रोफेशनल ढंग से खेलते भी हैं। इसमें वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप होती है जहाँ एक दो नहीं बल्कि कई देशों के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने आते हैं। फैक्ट नंबर 23, साल 1856 10 जुलाई निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। आधी रात का समय, बिजलियों की गड़गड़ाहट और तेज तूफान का शोर, ऐसी भयानक स्थिति में टेस्ला को जन्म दिलाने वाली दाई ने टेस्ला को चाइल्ड ऑफ डार्कनेस कहा। लेकिन टेस्ला की माँ ने कहा कि मेरा बच्चा चाइल्ड ऑफ लाइट है, ये दुनिया रोशन करेगा। क्या आप जानना चाहेंगे ये बच्चा कौन था? वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसने मॉडर्न एसी सप्लाई यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई को डिजाइन किया। आज हमारे घर के सभी एम्प्लायंस इसी करंट के भरोसे चलते हैं, टेस्ला की ही देन है। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कि चेस गेम और सोसाइटी, जी हाँ, हमारा समाज पैरेलल चल रहे हैं। शुरुआती दिनों में चेस की रानी केवल डायगोनली मूव कर सकती थी, वो भी एक कदम। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और असल जिंदगी में रानियों के पास पावर आने लगी, चेस की रानी भी पावरफुल होती गई। आज क्वीन डायगोनली तो क्या वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकती है, वो भी जितना चाहे उतने कदम, जो कि हमारे समाज में महिलाओं की बढ़ती हुई आबादी को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 21, क्या आप जानते हैं किसी साल मणिपुर के रहने वाले जोनल सोगाई जाम ने व्हाट्सएप में एक ऐसा बग पकड़ लिया जिसके लिए उन्हें इनाम के तौर पर करीब 3.5 लाख रुपए मिले। जी हाँ, 22 साल के जोनल ने व्हाट्सएप से होने वाली वॉइस कॉल के दौरान बिना यूजर की परमिशन के कॉल का वीडियो कॉलिंग से अपग्रेड होना डिस्कवर कर लिया। जोनल ने फेसबुक के बग बाउंडिंग प्रोग्राम में इसको शेयर किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक ने इसको अपनी गलती तो मानी ही, साथ ही इसे 15 दिनों में ठीक भी किया। वैसे इस काम के लिए जोनल को इनाम के साथ साथ फेसबुक की ओर से सम्मान भी हासिल हुआ। जी हाँ, फेसबुक के हॉल ऑफ फेम में जोनल का नाम ऊपर से 16वें नंबर पर दर्ज है और इस लिस्ट में दुनिया भर के 96 लोग शामिल हैं। फैक्ट नंबर 20, हम इंडियंस ही केवल फेसबुक ही नहीं बल्कि मार्वल एवेंजर्स भी काफी प्रभावित है। तभी तो थोर सन ऑफ ओडिन ने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। जी हाँ, थोर यानी क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। क्रिस और उनकी वाइफ ने पिछले दिनों भारत में काफी समय बिताया है। खुद क्रिस का कहना है कि यहाँ के लोग और ये देश बेहद अनोखा है। यहाँ का कल्चर सबसे जुदा है, यहाँ का खाना गाना हर चीज लाजवाब है। इस देश से ये लोग इतना प्रभावित हुए कि अपनी बेटी का नाम इंडिया रखने पर मजबूर हो गए। वैसे इससे पहले वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर जोंटी रोड्स भी अपनी बेटी का नाम इंडिया रख चुके हैं। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हैं कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में भेड़ियों की एक ऐसी ब्रीड रहती है जिसे सी ओल्स कहा जाता है? जी हाँ, अपने नाम की तरह ये समुद्री भेड़िए जमीन पर कम और पानी में ज्यादा रहते हैं। इनका डीएनए एक नॉर्मल बुल्प से अलग होता है जिसके चलते ये पानी में रहना पसंद करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्री भेड़िए अपने खाने का लगभग 90% इंतजाम पानी में डूब कर ही करते हैं और शिकार की तलाश में ये भेड़िए कई मील की दूरी भी तैर कर तय कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 18, आपको ये तो बखूबी पता होगा कि इंसान मार्स पर घर बनाने की तैयारी में जुटा है। इस कोशिश में वो कब और कैसे कामयाब होगा इसका तो पता अभी तक नहीं है, लेकिन इस रेड प्लेनेट पर क्लाइमेट कितना अतरंगी है इसका पता आपको जरूर चल सकता है। इस प्लेनेट के बीचों बीच यानी एक क्रिएटर पर दिन के समय ऐसा मौसम रहता है जहां आपके पैरों को गर्मी का एहसास होगा लेकिन आपके सर पर मौसम ठंडा रहता है। कमाल है। फैक्ट नंबर 17, फिनलैंड में रेंडियर की घटती आबादी को रोकने के लिए उनके सिंगों पर ऐसा स्प्रे किया जाता है जिससे उनकी सिंगें रात में चमकती रहें। जी हाँ, सड़क हादसों में रेंडियर की मौत को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। चमकती हुई चीज को देखकर कार वालों को भी संभल कर चलने में आसानी होती है और रेंडियर की जान भी सुरक्षित रहती है। जानवरों की जान बचाने का ये आइडिया तो वाकई कमाल का है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि कभी ग्रीस में एक ऐसी प्रथा थी जहां लड़कियों को प्रपोज करने के लिए लड़के उनपे सेब, जी हाँ, एप्पल फेंका करते थे। अगर एप्पल कैच हुआ तो आपका मैच हुआ, वरना नो कैच नो मैच। अगर लड़कियां एप्पल कैच कर लेती थी तो ये हामे माना जाता था। वैसे टीन
टिंडर जैसी डेटिंग ऐप वाले इस जमाने में लड़कियां सेब लेकर प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी ऐसा तो नामुमकिन है। हाँ, अगर एप्पल का आईफोन हो तो शायद बात बन जाए। टेक्नो 15, क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में केवल दांत ही एकमात्र ऐसी बॉडी पार्ट है जो अपने आप हील नहीं हो सकता। यही कारण है कि दांत एक समय में आकर टूट कर गिर जाते हैं। टेक्नो 14, ये देखिए जापान का एक और अतरंगी रूप। पिछले साल हुए टोक्यो ओलंपिक की तैयारियां भी ये देश कुछ अतरंगी ढंग से किया है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि टोक्यो ओलंपिक में दिए गए गोल्ड मेडल पुराने और खराब हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद से बनाए गए थे। ऐसा करके जापान इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं सी ओटर्स ऐसा जानवर होता है जो सोते वक्त अपने पार्टनर का हाथ पकड़ कर सोता है। जी हाँ, पैसिफिक महासागर में पाया जाने वाला ये अनोखा प्राणी दूसरे ओटर के साथ हथकड़ी बना लेता है। वैसे सोने के लिए ऐसा अतरंगी तरीका अपनाने की वजह ये है कि पानी के बहाव से ये ओटर्स कहीं दूर ना चला जाए और एक दूसरे से जुदा ना हो जाए, इसलिए एक दूसरे को पकड़ कर सोते हैं। क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि मदर नेचर भी क्या खूब है, जहां अनगिनत जानवर और पेड़ पौधे हैं जिसके पास जीने के लिए अनगिनत सहलियां हैं। फैक्ट नंबर 12, न्यूयॉर्क में वुडस्टॉक फॉर्म सेंचुरी में लगभग 300 से ज्यादा ऐसे जानवर हैं जिनके पैर या तो जन्म से ही नहीं है या किसी एक्सीडेंट में इन जानवरों ने अपने पैर खो दिए, लेकिन जेनी ब्राउन और उनके साथी इन जानवरों को ये एहसास होने ही नहीं देते हैं कि ये अपाहिज हैं। इस फॉर्म सेंचुरी में जानवरों को प्रोस्थेटिक से लिम्स लगाकर उनके ही पैरों पर फिर से खड़ा कर दिया जाता है। जेनी, जिनका खुद एक पैर प्रोस्थेटिक लेग है, पैरों से पंग होने की तकलीफ को वो भली भांति जानती है। आज प्रोस्थेटिक के सहारे अपने पैरों पर खड़े होने और जितना मर्जी चल पाने से जो पॉजिटिविटी उनके मन में आती है, वही फीलिंग जेनी इन बेजुबान जानवरों को भी देना चाहती है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं यूरोपियन देश क्रोएशिया में एक ऐसा घाट है जहां म्यूजिक बजता है। जी हाँ, समुद्र किनारे इस घाट पर बने ये सीढ़ियां कुछ इस तरह बनाई गई हैं जो समुद्र की लहरों से टकराने पर एक मधुर संगीत निकालती हैं। मशहूर आर्किटेक्ट निकोला बेसिक ने 230 फुट लंबे इस घाट को डिजाइन किया जो क्रोएशिया के शहर जादार का मास्टरपीस है। फैक्ट नंबर 10, ये है माइक क्रिएचर कैचर। दिखने में नॉर्मल सी छड़ी इन लड़कियों की बेस्ट ब्रीड है जो कीड़े मकोड़े और कॉकरोच से परेशान है। इसमें लगे ब्रिसल बड़े आराम से कीड़े मकोड़ों को पकड़ लेते हैं। बढ़िया है, कीड़ों को मारकर गिल्टी फील नहीं होगा और इनसे छुटकारा भी मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं शार्क मछली के अंडे ट्रांसप्यूसेंट होते हैं। जी हाँ, शार्क जो अंडे देती है उसमें आप एम्डोयो फोयोमेशन से लेकर एक न्यू बोर्न शार्क तक प्रोसेस अपनी आंखों से देख सकते हैं। असल में शार्क के अंडों की कवरिंग यानी झिल्ली बेहद पतली होती है जिसे थोड़ा धुंधला मगर आर पार देखा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये अंडे शार्क की कोख से निकलकर पानी में 7 से 10 महीनों तक रहते हैं जिसके बाद एक नन्हा सा मेहमान समुद्री दुनिया में आ जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान का क्योटो शहर आइटम बम का प्राइमरी टारगेट था, लेकिन उस समय के सेक्रेटरी ऑफ वार रहे हेनरी स्टिमसन ने लास्ट मोमेंट पर इसे बदल दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हेनरी वॉर से कुछ समय पहले ही अपना हनीमून मनाने क्योटो आए थे। ये शहर हेनरी को इतना पसंद आया कि उन्होंने इस पे बम गिराने जैसा हार्ड डिसीजन भी पलट दिया। काश हेनरी ने पूरा जापान घुमा होता। फैक्ट नंबर 7, ये है वी कैथरी रेजान। कभी भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के ड्राइवर रह चुके कैथरी रेजान हाई स्कूल फेल थे। डॉक्टर कलाम के कहने पर इन्होंने अपनी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू की और आज कैथरी रेजान प्रोफेसर कैथरी रेजान सर के नाम से पुकारे जाते हैं। कैथरी रेजान हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। सच में पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और कामयाबी का कोई समय नहीं होता। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि ब्लू जावा नाम का एक ऐसा केला होता है जो खाने में आइसक्रीम और महकने में वनीला जैसा लगता है। कमाल है भैया, किसी ने अगर इसे अब तक देखा या फिर खाया हो तो प्लीज थोड़ी जानकारी मुझे भी दे देना, मैं भी ट्राई करना चाहूंगा। फैक्ट नंबर 5, ये लो, ब्लू जावा का पता मिल नहीं रहा और ये रेड बनाना हाजिर हो गए। जी हाँ, केले की ये वैरायटी खाने में स्वीट क्रीम जैसी लगती है जो थोड़ा थोड़ा रस भरी जैसे महकते हैं। भाई साहब, नेचर का तो कोई जवाब नहीं है, कब कौन सा कलर दिखा दे पता ही नहीं चलता। फैक्ट नंबर 4, अगर आप किसी एयर सर्विस को रेटिंग करते हैं तो आपको ये फैक्ट जानना जरूरी है। आपको पता है कि एरोप्लेन में मिलने वाला खाना टेस्टी तो होता है पर लगता नहीं। जी हाँ, हजारों फीट ऊंचाई पर हमारे सेंस ऑर्गन जैसे टंग 50% तक काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए बढ़िया से बढ़िया खाना भी हमें फीका लगता है। अब कितने स्टार देने हैं आप खुद डिसाइड कर लें। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि बेल्जियम देश में आप पानी के बीचों बीच साइकिल चला सकते हैं? चौंकिए मत, ये मुमकिन है। जी हाँ, बेल्जियम के शहर लिम्बर्ग में एक ऐसा तालाब है जिसके एक छोर से दूसरे छोर पर पुलिमा बनाकर एक ऐसा रास्ता तैयार किया गया जो पानी के अंदर है, लेकिन इस रास्ते के दोनों तरफ बनी ऊंची ऊंची दीवारों की वजह से पानी रास्ते में नहीं आता और इस तरह तैयार होता है वो रास्ता जो पानी के अंदर होकर भी पानी में नहीं है। ये अनोखा निर्माण वहाँ के लोगों को बेहद पसंद है जहाँ ये लोग डेली साइकिलिंग का आनंद लेने इस तालाब में आते हैं। फैक्ट नंबर 2, आप पर कभी न कभी कुत्ते ने अटैक तो जरूर किया होगा।
होगा। लेकिन क्या आपको एग्जैक्ट तरीका पता है कि उस समय खुद को डिफेंड कैसे करें? सुनिए, अगर कभी आप पर कुत्ता हमला कर दे तो उससे बचने के लिए उसकी नाक या फिर पसलियां यानी रिब्स पर अटैक करने पर आप कुत्ते को कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल तरीका है जिसका सटीक इस्तेमाल ऐसी सिचुएशन में आपकी जान बचा सकता है। वैसे अपनी शॉट या फिर किसी दूसरी चीज दूर फेंकने से भी कुत्तों का ध्यान भटकाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 1, आयरन मैन और बैटमैन के बाद पेश है रोलर मैन। ये है जीन अवेज ब्लोंडियो। इन्होंने बनाया है 32 पहियों वाला रोलर सूट जिसे पहनकर आदमी हवा से बातें करता है। ये रोलर सूट कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है जिसे पहनकर कोई भी लेटे लेटे पहाड़ी से उतर सकता है, वो भी तेज रफ्तार से। वैसे इस रोलर मैन की इतनी स्पीड पहाड़ी की ढलान की वजह से बनती है जो किसी किसी पॉइंट पर सैकड़ों मील प्रति घंटा तक पार कर जाती है। इसे कंट्रोल करना बेहद सिंपल है और इसे चलाना भी आसान, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। क्या आप में से कोई इसे ट्राई करना चाहेगा? कमेंट्स में बताइए जरा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ना सब्सक्राइब करें ना घंटा दबाएं। बस एक काम करें, बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। जैसे ही वीडियो पर 1000 शेयर आएंगे हम फैक्ट एक्सप्रेस का अगला एपिसोड रिलीज कर देंगे। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।